मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। महंगाई की मार मोदी सरकार, महंगाई की मार मोदी सरकार, महंगाई की मार मोदी सरकार, महंगाई की मार मोदी सरकार। भाजपा हटाओ किस मांगों को लेकर किसके बैनर तले आज ये विरोध प्रदर्शन और धरना किया जा रहा है। मेरा नाम लक्ष्मण गुदारा है, मैं युवा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ। और जैसा कि पूरे देश के अंदर 7 से लेकर 17 तक कांग्रेस द्वारा महंगाई के खिलाफ धरने रखे गए, उसी के तहत आज यूथ कांग्रेस बाड़मेर ने भी धरना रखा है। और देश के अंदर इस कोरोना महामारी के साथ साथ जो मोदी सरकार ने महंगाई और पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाए हैं, उसके कारण आमजन बहुत परेशान है और महंगाई बढ़ती जा रही है। और इसी के तहत मोदी जी ने भी जब पहली बार 2014 के अंदर आए थे, उन्होंने बोला था कि कांग्रेस के खिलाफ बोला था कि जो कम से कम आप अटल बिहारी वाजपेयी जैसे भाव वापस ले आए, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा आप मनमोहन सिंह जी के जो भाव थे वही आप आज पेट्रोल डीजल के ले आए तो आमजन को राहत मिलेगी। ठीक है जिलाध्यक्ष साहब, काफ़ी समय से कांग्रेस द्वारा लगातार जो महंगाई बढ़ रही है उसके खिलाफ धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, आज किस प्रकार का धरना है और क्या मांग है आप लोगों की? हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार महंगाई जो बढ़ रही है, महंगाई में विशेषकर पेट्रोल डीजल रसोई की गैस और खाने का ऑयल, इसके खिलाफ एक कंटिन्यू अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 7 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक ये अभियान चलेगा। इसमें अलग अलग जो हमारे फंडर ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक एक दिन दिया गया है, उसके माध्यम से शुरुआत महिला कांग्रेस से हुई थी, आज ये कांग्रेस का है, बीच में ओबीसी और एससी मोर्चा का भी हुआ। और 15 तारीख को सभी पेट्रोल पंपों पर कांग्रेस के द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा इस महंगाई के खिलाफ। और 16 तारीख को हर जिला मुख्यालय पर बैलगाड़ी ऊंट गाड़ी साइकिल से एक यात्रा निकल जाएगी, आम मार्च निकाला जाएगा इस महंगाई के खिलाफ। और 17 तारीख को जयपुर में इसके खिलाफ बहुत बड़ा
वहाँ रैली के रूप में तो वो चाहे बहुत बड़ा अभियान के रूप में जयपुर लेवल पर होगा। उसी क्रम में आज यहाँ यूथ कांग्रेस का ये धरना था। यूथ कांग्रेस के सपोर्ट में सभी कांग्रेस के वरिष्ठ लोग भी आए हैं और सभी लोग इसके साथ हैं। मोदी जी जब राज में आए थे तो उन्होंने सबसे बड़ा नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई के मार अब की बार मोदी सरकार। हम उनको वापस कहना चाहते हैं, अगर आप इसी नारे पे आए तो उस महंगाई को कंट्रोल करें, उस महंगाई को कम करें, उस महंगाई को वापस जो मनमोहन सिंह सरकार ने जो दाम थे उस दामों पे इनको लड़ना चाहिए। आम आदमी को उसमें राहत मिलनी चाहिए। अभी तो हालात ये है, मोदी और मोदी सरकार के मंत्री मस्त है, जनता त्रस्त है और जनता मारवाड़ की जहाँ बाड़मेर की अभी तक इसे धरनों की आदि नहीं है। लेकिन अब जो दिख रहा है, कोरोना का टाइम था, काफ़ी चीज़ों में बंदिश थी, अभी भी काफ़ी बंदिश है, फिर भी लोगों में भयंकर गुस्सा है और सरकार के खिलाफ गुस्सा फूटेगा। हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से इस महंगाई को कम किया जाए। एक मिनट, पार्षद ही नज़र आ रहे हैं तो ठीक ठाक सभी पार्षद सभी का एक ही पार्षद है सर। मैं आपको बता रहा हूँ, स्पेशल पार्षदों का धरना नहीं है यहाँ, धरना यूथ कांग्रेस के, मैक्सिमम यूथ कांग्रेस के लोग आए हुए हैं, उसके सपोर्ट में जो लोग आए हुए कांग्रेस में नहीं आते क्या सर? पार्षद जो युवा है वो सब यहाँ हाजिर है, बुजुर्ग पार्षद नहीं आए तो अलग अलग दिन में अलग अलग चला। ठीक ठाक, बाड़मेर की पार्टी नहीं, राजस्थान की पार्टी एकजुट है, सरकार 5 साल चलेगी और बाड़मेर की सरकार भी 5 साल चलेगी। चेयरमैन साहब भी नजर नहीं आ रहे हैं। कह रहा हूँ यूथ कांग्रेस का धरना है, यूथ कांग्रेस धरने में यूथ कांग्रेस और चेयरमैन अलग 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 हो सकता है जो चेयरमैन साहब कहीं बाहर गए हो, ऐसा उस पर फर्ज नहीं था, फर्जियात नहीं था, वो यहाँ आकर के हाजिर है। आपका राज किस सरकार का पुतला जलाया गया है? मेरा नाम राजेंद्र है, मैं एनएसओई से जिला अध्यक्ष हूँ। आज बाड़मेर जिला यूथ कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार द्वारा देश के अंदर जो महंगाई बढ़ाई जा रही है, जो मूलभूत वस्तुएं हैं पेट्रोल डीजल गैस इत्यादि की जो कीमतें बढ़ाई है, जो आम जन परेशानी झेल रहा है, जो मुसीबतें हैं उसको लेकर के केंद्र सरकार को आगाह करने के लिए, आमजन की आवाज़ उन तक पहुँचाने के लिए बाड़मेर यूथ कांग्रेस के द्वारा ये आंदोलन रखा गया था महंगाई के विरोध में, जिसमें समस्त जिले के युवा बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और ये चेतावनी है केंद्र सरकार को इस आंदोलन के माध्यम से, जो महंगाई आप बढ़ा रहे हैं इस महंगाई को नियंत्रित कीजिए।